हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर करेंगे पर्सनालिटी थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी है डेट इज़ साइको एनालिटिकल, जो कि साइकोलॉजी के बेसिस पे बिहेवियर को स्टडी करती है। इसके जो मेन कंट्रीब्यूटरी हैं सिगमंड फ्रूड है, कार्ल जंग है, अल्फ्रेड है, एडलर है, कर्नल हॉर्नी एंड एरिक फ्रॉमन है। सिगमंड फ्रूड जो है मेन कंट्रीब्यूटर है। उसने कहा कि जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, ज़्यादा हमें ड्राइव करता है। वो कहते हैं कि इसके तीन हिस्से होते हैं। एक आईडी होता है, आईडी जो है प्रिंसिपल फोर्स होती है जो हमें गाइड करती है। ये अनकॉन्शियस पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हर चीज़ जो हमने इनहेरिट की होती है, जो हमें उसके अंदर ये उसके अंदर जमा होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं वो मतलब हमारे पर्सनल रिसोर्सेज के साथ मैच नहीं करते। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस होता है बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में होता है। बायोलॉजिकल नीड्स होती है, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, सेक्सुअल नीड्स हो गया, जिनके बेसिस पे हम एफर्ट्स करते हैं उनको अचीव करने के लिए। और जब हम उनको नहीं सेटिस्फाई करते तो हम एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं, उन चीज़ों का इमेजिन करने लग जाते हैं जो चीज़ें हमारी पहुँच से बाहर होती हैं। और जो ईगो है ये कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट होता है जो हमें कहता है कि ये रियलिटी है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी है, इसके तहत हमें इन चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए। और जो सुपर ईगो होती है ये हमारी अंतरात्मा है जो हमें बताती है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। सेकंड जो थ्योरी है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसके अंदर क्या है, इनके कंट्रीब्यूटर ये मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है सोशल इन्वायरमेंट से भी और साइकोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। फ्रॉमन जो है वो कहता है कि सोशल फैक्टर के ऊपर उसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। उसने कहा लोग जो है सोशल रिलेशन बनाना चाहते हैं, सोशल नेटवर्किंग करना चाहते हैं, और जो एम्प्लॉयर है उसकी भी एफर्ट होता है कि वो सोशल इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज़ को। सुलिवान एंड हॉर्नी जो है इंटरपर्सनल के ऊपर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दूसरों के प्रति पॉजिटिव हों, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन एबिलिटी को डेवलप करें, वो अपने आप को भी समझे दूसरों को भी समझे। उसी तरह जो एडलर है उसने डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर स्ट्रेस दिया, और ये वेरिएबल जो है किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं। कैरियर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, रिलीजियस हो गया, बैलेंसिंग फैमिली एंड वर्क रिक्वायरमेंट हो गया। उसी तरह जो हॉर्नी था उसने भी इंटरपर्सनल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि या तो बंदा सेटिस्फाइड होगा, अगर सेटिस्फाइड होगा तो दूसरों पर डिपेंड करेगा, अगर अग्रेसिव है तो वो पावर को ज़्यादा लेना चाहता है, और जो डिटैच्ड है वो सॉलिट्यूड में रहता है, उसको लगता है कि सेल्फ सफिशिएंट है। क्योंकि देखो जो एक इंडिविजुअल है उसका जो पर्सनालिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी है उसको समझते हुए उनकी पर्सनालिटी को चेंज भी करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं। उसी तरह देखो थर्ड थ्योरी जो है ट्रेड फैक्टर थ्योरी है, इसके जो कंट्रीब्यूटर हैं एलपोर्ट एंड कैटल है। ठीक है, एलपोर्ट ने कहा है कि जो पर्सन की नेचर होती है जिसको पर्सनल डिस्पोजिशन कहते हैं वो डिफर करती है, वो यूनिक होती है। जैसे मेरी नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगी, ब्रदर सिस्टर के अंदर भी क्या होता है कि उनकी पर्सनल डिस्पोजिशन जो होती है डिफरेंट होती है। उसने कुछ कॉमन ट्रेट्स जो हैं डिवेल्प किए हैं, 6 आइडेंटिफाई किए हैं। ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, पोलिटिकल, एस्थेटिक एंड थ्रेटिकल। उसी तरह जो कैटल है उसने सरफेस एंड सोर्स ट्रेट दिए हैं। देखो जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं ये होता है कि जो एक्चुअल में हम होते हैं हम वैसा बिहेव नहीं करते, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। जैसे हमें कोई बंदा अच्छा नहीं लगता लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको ग्रीट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अपने बॉस की बात अच्छी नहीं लगती लेकिन हम उसको सपोर्ट करते हैं। सरफेस के अंदर जो आ जाता है वाइज भी हो सकता है, फुलिश भी हो सकता है, अफेक्शनेट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, अकेले रहना पसंद भी कर सकता है, ऑनेस्ट भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। सोर्स होता है कि जो हमारी ये जजमेंट करने की एबिलिटी, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी कहाँ से आती है, ये मैच्योरिटी, हम कितना मैच्योर माइंड है, हम अच्छी नेचर के हैं, हम पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं या हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे सोर्स ट्रेट्स आ जाते हैं कि कहाँ से वो ट्रेट जो है वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेचुरली जिसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंसेप्ट आ जाता है हॉलिस्टिक सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखो हॉलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं सारे एंगल्स,
यहाँ पे ये जो थ्योरी है पूरी मतलब ह्यूमन बिहेवियर की टोटैलिटी को स्टडी करती है, और इसके जो कंट्रीब्यूटरी हैं एल्फ्रेड मैस्लो है, हर्ज़बर्ग है, ल्यूहेन है, और जो कार्ल रॉगर्स है वो इसका मेन जो है कंट्रीब्यूटर है। उसने ये कंसेप्ट दिया है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। कई बार देखो जो मैनेजर है वो अपने आप को एज ए लीडर समझता है। आइडियल सेल्फ होता है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। कई बार जब हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने बॉस जैसा बनना चाहते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें कैसे परसीव करते हैं। रियल लाइफ का मतलब होता है कि जो हम एक्चुअल में होते हैं, जो हमारे एक्चुअल में फीचर्स होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, जो एटीट्यूड होता है। नेचुरली हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट और री एडजस्ट करते रहते हैं। जब हम अपनी पर्सनालिटी को टोटलिटी में स्टडी करते हैं तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं, दूसरे हमें क्या कंसीव करते हैं, हमें अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना चाहिए। उसके बाद देखो जो पर्सनालिटी है एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका बॉस है कैसे काम करता है, कैसे डायरेक्शन देता है, कैसे दूसरों के साथ अपने आप को रिलेट करता है। उसी तरह जो एम्प्लॉई है, जो बॉस डायरेक्शन देता है, उसको कैसे एक्शन रिएक्शन अपने जो एक जैसे होते हैं उनके साथ रिलेशन कैसा होता है, जो नीचे काम करते हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होता है। क्योंकि ये हमेशा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है डैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी, तो इनका मतलब संबंध होता है पर्सनैलिटी। तो इसलिए पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इंटीग्रल पार्ट है। पर्सनैलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं हम देखते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल किसके पास है, लोगों को क्या लगता है कि वो अपनी लाइफ और कैरियर को प्लान कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देखो लोकस ऑफ कंट्रोल अगर उसी इंडिविजुअल के पास है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होएगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है उसको लगता है कि मैं अपना लाइफ और कैरियर जो है खुद प्लान डायरेक्ट एंड कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब कुछ मेरी हार्डवर्क पे है, जितना मैं मोटिवेट होकर काम करूँगा उतना ही सक्सेस आएगी। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि हम भाग्य पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, काम नहीं करते, ये भगवान अपने आप करेगा, तो ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ मॉनिटरिंग भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो जो लोग हैं उनको अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में कितनी नॉलेज है, क्या उनको लगता है कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब जो चैलेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरल सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि जो लोग जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके जनरल बिलीफ या एक्सपेक्टेशन क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है, जब उसको लगता है सिचुएशन चेंज हो रही है, ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो अपने आप को कैसे रीएडजस्ट करता है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। उसी तरह देखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी एनालाइज करते हैं कि बंदा जो है टाइप ए पर्सनैलिटी है कि टाइप ए बी पर्सनैलिटी है। देखो जो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और ये हमेशा दे आर ऑलवेज वॉकिंग, दे आर ऑलवेज टॉकिंग, दे आर ऑलवेज मतलब डूइंग वर्क, ये बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, मल्टी टास्किंग करते हैं, आराम को पसंद नहीं करते, हमेशा होता है कि मैंने इतना टारगेट अचीव करना है, सक्सेस को हमेशा अपने टारगेट के साथ जोड़ते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और ज़्यादा डेडलाइन के साथ डील करते हैं। उसी तरह जो टाइप बी पर्सनालिटी होती है ये ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट नहीं होती, ये हमेशा रिलैक्स होके काम करती है, ये ज़्यादा लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। टाइप ए जो होती है ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोग जो है सोशली अपने आप को कितना मतलब लोगों के साथ मूव करना चाहते हैं या लोगों से दूर जाना चाहते हैं, वो सोशली ओरिएंटेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरह लास्ट जो है मैशुलिज्म है। देखो ये लोग जो होते हैं पर्सनल गेन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग पावर के लिए जीते हैं, पावर को ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहते हैं।